यूहन्ना यीशु का बपतिस्मा देता। इलिशिबा और जकरिया के बेटवा यूहन्ना बड़ा हुई के एक ठे भविष्यवक्ता बन गा। वह जंगल में रहे करत रहा और जंगली शहद और टिड्डिन का खाए करत रहा और ऊँट के रोम से बने कपड़ा का पहने करत रहा। बहुत से मनी यूहन्ना के बातन का सुने के लाने जंगल में निकल आयन। वही यह कह के उनखर प्रचार करिस कहे से कि स्वर्ग के राज निकट हब। जब मनी यूहन्ना के संदेश का सुनिन त उन मन से बहुत अपन पापन से पश्चाताप करिन और यूहन्ना उन्हीं बपतिस्मा दईस। यूहन्ना का देखा के लाने बहुत सारा धर्मी अगुआ भी आए पर ऊँ अपने पापन से पश्चाताप या अंगीकार नहीं करिन। यूहन्ना धार्मिक अगुवन से कहिस हे जहर वाले सांप पश्चाताप करा और अपन व्यवहार का बदला। परमात्मा हर व पेड़ का काट डलही जौन अच्छा फल नहीं लावे अब वह उन्हीं आग में झोंक दई। जौन भविष्यवक्ता कह रहे हैं यूहन्ना वही पूरा करिस। देख जल्दी ही मैं तोरे आगे अपन संदेशवाहक का भेजूं जौन तोरे लाने मार का तैयार करी। कुछ धार्मिक अगुआ यूहन्ना से पूछिन कि का वह मसीह आए। यूहन्ना जवाब दईस मैं मसीह नहीं आहूँ पर वह मोरे बाद आऊ था। वह इतना महान हवय कि मैं वाखर जूता के बद्दी खोले के लायक भी नहीं आहूँ। दूसर दिन यीशु बपतिस्मा ले के लाने यूहन्ना के पास आओ। जब यूहन्ना वही देखिस तब वही कहिस देख परमात्मा के मेमना जो संसार के पापन का उठा ले जाई। यूहन्ना यीशु से कहिस मैं तो ही बपतिस्मा दे के लायक नहीं हूँ। एक बजे जरूरत है कि ते मुही बपतिस्मा दे। पर यीशु कहिस तो ही मुही बपतिस्मा दे का चाहिए कहे से कि करे के लाने सही काम यह आए। यूहन्ना वही बपतिस्मा दईस जबकि यीशु कभू पाप नहीं करे रहो। बपतिस्मा दे के बाद जब यीशु पानी से निकलो तब परमात्मा के आत्मा कबूतर के रूप में प्रगट भा और नीचे आके ओखे ऊपर रुक गा। वह समय में परमात्मा स्वर्ग से बात करिन वही कहिन या मोर बेटवा आए मैं तोर से प्रेम करत हूँ और मैं तो से बहुत खुश हूँ। परमात्मा यूहन्ना से कह रहे हैं पवित्र आत्मा नीचे आके कहू के ऊपर उतर जाई जही ते बपतिस्मा दई है। वह परमात्मा के बेटवा हुई। परमात्मा एक ही है पर जब यूहन्ना यीशु का बपतिस्मा दईस तब वह परमात्मा पिता का बात कर सुनिस। बेटवा परमात्मा के देखिस जौन की यीशु आए अब वह पवित्र आत्मा का देखिस। मत्ती अध्याय 3 मरकुस 1:9-11 लुका 3:1 से बाइबल की एक कहानी।